राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर जब से आया है तब से लोगों के दिलों में राजकुमार राव का ये जो किरदार है बस गया है। दोनों आंखों से न देख पाने वाले बिजनेसमैन की कहानी इस फिल्म में दिखाई है और अब तक इसका सिर्फ ट्रेलर आया है लेकिन इस ट्रेलर ने ही लोगों के दिल को छू लिया है। बचपन से ही दोनों आंखों से न देख पाने वाले श्रीकांत बोला ने अपनी कमियों के सामने घुटने नहीं टेके, बंद आंखों से ऊंचे ख्वाब देखे और अपने उन ख्वाबों को पूरा भी किया। तो चलिए आज जानते हैं श्रीकांत बोला की कहानी। इस कहानी से ये साबित होता है कि आपको आंखों की जरूरत नहीं अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीकांत बोला का जन्म 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक किसान परिवार में हुआ। जन्म से ही श्रीकांत अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे और एक नेत्रहीन बच्चे को लेकर परिवार में तरह तरह की बातें होने लगी। परिवार वालों ने कहा अंधा है, बोझ बन जाएगा, इसे मार दो, लेकिन माता पिता ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने श्रीकांत को बड़ा किया। श्रीकांत का एडमिशन स्कूल में करवाया। श्रीकांत अपने भाइयों के साथ स्कूल में जाते थे क्योंकि स्कूल काफी दूर था। जब वो स्कूल जाते थे तब अपने क्लास के लास्ट बेंच पर बैठते थे। कोई भी क्लासमेट उनसे बात नहीं करते थे, कोई बच्चा उनके साथ खेलता नहीं था, जिस वजह से वो काफी निराश हो गए थे और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो स्कूल को छोड़ देंगे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें हिम्मत दी। उनके पिता ने उन्हें कहा कि ये पढ़ाई ही आपको जीवन में कुछ बना सकती है, जिसके बाद श्रीकांत ने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा। इसके बाद उनके पिता ने नेत्रहीन के बोर्डिंग स्कूल में उनकी एडमिशन करवाई जो 400 किलोमीटर दूर उनके घर से हैदराबाद में था। श्रीकांत ने फिर 10वीं में 96% लाए और 12वीं में 98% लाकर हर किसी को चौंका दिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होने वाली थी। दरअसल वो साइंस पढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें किसी भी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में दाखिला नहीं मिल रहा था। श्रीकांत ने ठान लिया था कि वो पढ़ेंगे तो साइंस ही, लेकिन उस दौरान नेत्रहीन बच्चों के लिए साइंस की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी। जिसके बाद श्रीकांत बोला ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर ये फिल्म बनी है। श्रीकांत ने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर केस कर दिया। 6 महीने तक ये कोर्ट में केस चला जिसके बाद उनकी जीत भी हुई। उसके बाद साइंस पढ़ने वाले पहला नेत्रहीन स्टूडेंट श्रीकांत बने। हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उस दौरान नेत्रहीन बच्चों के लिए साइंस के लिए जो पढ़ाई करने के लिए बुक्स होती है अलग से वो नहीं बनाई गई थी। श्रीकांत का सपना था IIT में पढ़ाई करना। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन मिली। अंत में फिर श्रीकांत ने ठाना कि अगर IIT को उनकी जरूरत नहीं तो उनको भी IIT की जरूरत नहीं और फिर उन्हें अमेरिका की मशहूर MIT में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला और श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। यहाँ से पढ़ने के बाद इन्हें कई बड़े बड़े जॉब ऑफर मिले लेकिन श्रीकांत ने वापस भारत आने का फैसला किया। भारत आने के बाद उन्होंने ठाना कि वो दिव्यांगों की मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने किराए पर जगह ली, कंप्यूटर खरीदा और टीचर की मदद से टेक्निकल नॉलेज देना शुरू किया दिव्यांगों को। श्रीकांत ने इन सभी को शिक्षा तो दे दी लेकिन इनके सामने एक बड़ा सवाल ये था कि इन्हें नौकरी कौन देगा। और फिर श्रीकांत बोला ने अपनी सेविंग से एक नया बिजनेस शुरू किया। साल 2012 में श्रीकांत बोला ने हैदराबाद में बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। ये एक ऐसी पैकेजिंग कंपनी है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है। श्रीकांत बोला कि इस कंपनी में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया। इतना ही नहीं, इनका हौसला पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी बढ़ाया। उनकी कंपनी में काम करने वाले 70% ऐसे कर्मचारी हैं जो दिव्यांग हैं। आज इनकी इस कंपनी के 7 प्लांट है और इनकी कंपनी वैल्यू की अगर बात करें तो 483 करोड़ के पार है। इनकी इतनी छोटी उम्र में कामयाबी देखकर फोर्ब्स ने इन्हें एशिया के 30 Under 30 में शामिल किया था। तो श्रीकांत बोला की कहानी सुनने के बाद एक मुहावरा है जो इनकी कहानी को बिल्कुल सूट करता है जो कि है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो श्रीकांत बोला की इसी कहानी पर श्रीकांत ये फिल्म बनने जा रही है जिसमें राजकुमार राव हमें दिखेंगे। ट्रेलर देखने के बाद तो कई सारे लोगों का दिल जीत लिया है इस फिल्म ने। अब बस इंतजार है इस फिल्म का जब वो रिलीज होगी। ऐसे और स्टोरीज देखने के लिए न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ।